हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्रता। दोस्तों, हम बात करेंगे कल की नॉर्थ अमेरिका की एडवांस बुकिंग की। ना सिर्फ हम एडवांस बुकिंग की बात करेंगे, साथ साथ हम बात करने वाले हैं कि आज तक ना इंडियन मूवी ने नॉर्थ अमेरिका में कितना बिजनेस किया है और 2024 में कौन सी फिल्म ने कितना बिजनेस किया है और नॉर्थ अमेरिका के अंदर कल की अभी कहां स्टैंड कर रही है, जबकि अभी 9 दिन बचे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको 2024 की बताता हूं, फिर ऑल टाइम बताऊंगा, और फिर जो अगर आपको लगता है तो ये जरूर बताना कि भाई कल की कितना बिजनेस कर सकती है नॉर्थ अमेरिका से। अगर इसको 1000 करोड़ कमाना है ना, ओवरसीज से 350 से 400 करोड़ लेकर आना होगा। तो बताता हूं आपको 2024 की कौन कौन सी फिल्म्स है। सबसे पहले 5 फिल्मों को बताऊंगा। गुंटूर करम ने ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका से बिजनेस किया था, बिजनेस 2.63। फोर्थ नंबर पर थी टिल्लू स्क्वायर, जिसने किया था 2.93 मिलियन। क्रू, करीना कपूर, तब्बू और कीर्ति सेनन की आई थी ना फिल्म, उसने भी नॉर्थ अमेरिका से बिजनेस किया था 3.64 मिलियन। नंबर टू के ऊपर थी हनुमान, जिसने बिजनेस किया था 5.31 मिलियन। और नंबर वन के ऊपर 2024 की नॉर्थ अमेरिका में कोई फिल्म है तो बॉलीवुड की फिल्म है फाइटर, जिसने बिजनेस किया था 7.62 मिलियन। ये फिल्म है। अब कल की कितनी एडवांस उठा चुकी है, कल की एडवांस उठा चुकी है 2 मिलियन की एडवांस उठा चुकी है 9 दिन पहले, सिर्फ और सिर्फ प्री सेल से 2 मिलियन एडवांस उठा चुकी है। तो सोचो बिजनेस कितना करेगी। ये मैंने उनका डे वन नहीं बताया, ये फाइटर का, हनुमान का, क्रू का, टिल्लू स्क्वायर का और गुंटू करम का ना लाइफ टाइम है। और भाई कल की ने अभी प्रीमियर शो के लिए 2 मिलियन एडवांस उठा लिया है, इसलिए इस बात को मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं। बहुत चांसेस हैं कि 2024 का तो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और भाई कंपटीशन देने वाला है ऑल टाइम फिल्मों को जो अभी तक रही हैं। अब बताता हूं आपको, नंबर 5 के ऊपर थी एनिमल, जिसने नॉर्थ अमेरिका से किया था 15.01 मिलियन। 4 के ऊपर थी जवान, जिसने किया था 15.23 मिलियन। नंबर 3 के ऊपर थी आरआरआर, जिसने किया था 15.34 मिलियन। नंबर 2 के ऊपर थी पठान, जिसने किया था 17.49 मिलियन। और नंबर 1 के ऊपर है ऑल टाइम ग्रॉसर नॉर्थ अमेरिका से 22 मिलियन बाहुबली। बाहुबली ने किया था 22 मिलियन। तो क्या लगता है जो कल की है, 2024 की तो फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये बताओ कौन सी ऐसी फिल्म है जो ऑल टाइम में चैलेंज दे सकती है। क्या वो बाहुबली 2 है, क्या वो जवान है, क्या वो आरआरआर है, क्या वो एनिमल है या फिर पठान है, ये जरूर बताना। क्योंकि कल की जिस रफ्तार से ओवरसीज के अंदर एडवांस उठा रही है, फिल्म में अगर दम निकला तो भाई साहब ये फाड़ देगी और बहुत बढ़िया तरीके से फाड़ने वाली है। आपकी क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।